من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون और अल्लाह रब इज़्ज़त की बरकात को हासिल करने के लिए हम सबसे पहले कुरान करीम की तिलावत पाक के लिए हाफिज़े कुरान व कारी अश-शेख शमसाद साहब कासमी का बरकात उनको दावत देते हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ला करके तिलावत कलाम पाक से हम लोगों को मुस्तफीद करें और मजलिस और महफिल के अंदर रूहानियत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم टोयोटा करोला गाड़ी के बाहर है वो पार्किंग में बता रहे हैं करोला जी करोला अगर किसी की जगह पर पार्किंग है साइड में तो वो हटा दें अच्छा हटा लें वो गाड़ी को जो पार्किंग मुनासिब जगह पर नहीं हुई है इसकी वजह से हटा लें सामीन किराम सदर मोहतरम मुंतजमीन हजरात सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मिन जुमला नेमतों में से एक अजीम नेमत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बनी आदम को देता है वो अजीम नेमत तौफीक है। तौफीक एक ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेशबहा अजीम शान नेमत है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत अता कर दे खैर की तौफीक दे दे तो वो इंसान दुनिया और आखिरत के अंदर सक्सेसफुल और कामयाब है। मेरे हजरात मेरे दोस्तों यहां पर जो हजरात तशरीफ फरमा हैं उनको मिन जानिबुल्लाह तौफीक हुई तौफीक रब्बानी से वो यहां पर हाजिर हुए हैं। उनका मंशा उनका हदफ उनकी गर्ज और टारगेट सिर्फ अल्लाह उनके रसूल
के इरशादात को सुनना और उसके ऊपर अमल करना। मेरे अजीज, इस जैसी दीनी महफिल, दीनी इजलास, दीनी जलसों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुसूसी रहमत का नुजूल होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के तवज्जुह खास का इर्तिकाज होता है। ये मजलिस मामूली मजलिस नहीं है, ये अजीम मजलिस है, बाबरकत मजलिस है, मुकद्दस मजलिस है। इस जैसी मजलिस वालों से अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होते हैं, क्योंकि इस मस्जिद में अल्लाह रब्बुल इज्जत के इरशादात को और उनके हबीब पाक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल, उनके आमाल, उनकी तकरीरात को बयान किया जाता है। तो इसलिए मेरे अजीज, ये काम जो लोग करते हैं, ये समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तौफीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उन्हें तौफीक खैर वदियत की गई। यही वजह है कि बुखारी और मुस्लिम के अंदर जो सही रवायत मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, जिस शख्स के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत खैर का मामला करना चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें तफक्कुह फिद्दीन अता फरमाते हैं। तफक्कुह फिद्दीन का क्या मतलब है? तफक्कुह फिद्दीन का मतलब यह है कि दीनी तालीम को सीख करके, दीनी तालीम को हासिल करके, दीनी मालूमात को सीने में उतार करके इस दीनी तालीम की इशाअत करना, उसका नश्र करना, उसकी तबलीग करना, उसकी तरवीज करना, ये तफक्कुह फिद्दीन है। और ये सिफत तफक्कुह फिद्दीन की अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी शख्स को देते हैं जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत खैर का मामला करना चाहते हैं, और जिनके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खैर का फैसला कर दिया है वो इंसान दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब है। तो मेरे अजीज, इस जैसी महफिल मामूली महफिल नहीं है, और इस जैसी महफिल में जो लोग तफक्कुह फिद्दीन यानी इस्लामी तालीमात को सीख कर सिखाने की कोशिश करते हैं वो अजीम शान लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की है उसका एक मकाम है, एक रुतबा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की है उसका एक दर्जा है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की है उनका एक खास मनसब है। वो मनसब क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की है सेलेक्टेड बंदा है, यानी अल्लाह उसको पसंद कर खैर का मामला है। तो मेरे अजीज, हम इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह के लिए मैं ऐसे शख्स को दावत देता हूँ जिनकी आवाज़ के अंदर खूबसूरती के साथ साथ मकनातीसियत है, जाज़बियत है। वो ज़ात मौलाना अब्दुर्रहमान साहब उमरी हैं। मैं उन्हें दरख्वास्त करता हूँ कि वह स्टेज पर तशरीफ़ ला करके हम सब लोगों को नाते पाक से महजूज और मुस्तफीद बनाएं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तसव्वुर की दुनिया सजाता चला चल, ख्यालों में उनको बसाता चला चल, हर एक गम को पीछे हटाता चला चल, कोई हाल हो मुस्कुराता चला चल, गुनाते नबी गुन गुनाता चला चल, गुनाते नबी गुन गुनाता चला चल। वो शाहे अरब ताजदारे मदीना, वो उम्मी मगर इल्मो फन का खजीना, वो शाहे अरब ताजदार मदीना, वो
नहीं मगर इल्म व फन का खजीना दिया जिस्त का जिसने हमको करीना दुरूद उस पे पढ़ता चला चल दुनाते नबी गुन गुनाता चला चल वो ताइफ की गलियां मजालिम के पत्थर लहू से शराब जिसमें मुनव्वर मगर है दुआए हिदायत जुबान पर ये सीरत की मशाल जलाता चला चल तो नाते नबी गुनगुनाता चला चल अबू बकर फारूक उस्मान हैदर यही बिल यकी जान सारे पयंबर जमाने में उनका नहीं कोई हमसर उन्हें मशाले रहे बनाता चला चल तुनाते नबी गुन गुनाता चला चल तुनाते नबी गुन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ जितनी भी की जाए वो कम है। क्यों? इसलिए कि वो खैरुल बशर है। इंसानियत के अंदर अच्छे औसाफ और अच्छे कमालात के मालिक अव्वल व मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसलिए उनकी जितनी तौसीफ और उनकी तारीफ और नात की जाए ये कम है, क्योंकि वो खैरुल बशर हैं, मुहसिन आज़म हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल हर फेल और हर अमल की तारीफ जितनी भी की जाए वो ना काफ़ी है। इंसान की जबान खुश्क हो जाएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ से, तो आपकी हकीकी तारीफ के इख्तिताम तक नहीं हो सकता है। इसी वजह से शायर ने कहा है कि शमह रिसालत यूं जल रही है सदियों से आज भी जमाने में हर तरफ उजाला है, सारे अंबिया चुप हैं बारगाह मौला में सरकार दो आलम का सिर्फ बोलबाला है। गारे सौर में देखा मुश्किने मक्का ने, गारे सौर में देखा मुश्किने मक्का ने, ये आपकी हिफाजत में मकरियों का जाला है। तो नबी आखुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मासूम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचपन से लेकर के विलादत के बाद से लेकर के आपकी इस्मत और मासूमियत की जिम्मेदारी मौत तक विसाल तक ली हुई थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम रहे। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 63 साल दौर में कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मकरूहात और किसी मुश्तबा चीज का इंतकाब नहीं हुआ, चूंकि आप मासूम थे। बहरहाल मेरे अजीज, हम इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हुए और इस प्रोग्राम के अंदर हम मजीद रोशनी डालने के लिए और तो हम सबसे पहले इन तमाम चीज़ों के बाद उम्रा की वीडियो को ओपन करना चाहते हैं और इसकी ओपनिंग जो है बदस्तूर मौलाना अब्दुल बारी साहब होगी। क्लब
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قاسي دمان بركاتم کی تحقیق اور یہ पूरा का पूरा खाका एक वीडियो के अंदर जो तैयार किया गया है ये पहली चीज है जो उलमाए कासमी में से ये शख्स आलिम फर्द मौलाना नजीब कासमी ने तैयार की है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़दीक इंशाअल्लाह मकबूल होगी ये चीज और अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वीडियो को इनके लिए सदक़े जारिया व सारिया बनाए। तो इसके बाद हम जो है अगले स्टेज की तरफ चलते हैं कि तोहफे रमजान मुबारक की जो किताब है हजरत मौलाना ही की तसनीफ है इनके इजरा के लिए हम डॉक्टर मुशी परी साहब और सैयद अकरम साहब को दावत देते हैं को स्टेज पर आकर के इन किताबों का इजरा करें और इन किताबों की तौजी और तकसीम मौलाना अब्दुल बारी साहब जो है इनकी इफ्तिताह करेंगे। तो सदर मोहतरम से दरख्वास्त है कि तोहफे रमजान मुबारक का इंतजार एक किताब मुख्तसर हज मबरूर के नाम से भी अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिश हो चुकी है लेकिन वो रियाज में नहीं पहुंच पाई है तो हम उसकी पीडीएफ फाइल जो है यहाँ पर उसका इफ्तिताह करा रहे हैं। तो मैं मौलाना से दरख्वास्त करूँगा कि वो पीडीएफ फाइल जो है हमारी किताब को उसका इफ्तिताह करना ये पहले से एक किताब हमारी मौजूद थी हज मबरूर जो उसको हम पॉकेट साइज में लेकर आए मुख्तसर हज मबरूर के नाम से और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसका थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ हम पेश करेंगे। अब इसके बाद जो ये किताब तोहफे मौलाना तशरीफ आइए तोहफे रमजान और मुबारक इसकी पीडीएफ फाइल का भी जो हम चाहते हैं कि आपके सामने इफ्तिताह हो जाए तोहफे रमजान इंशाल्लाह ये बेशुमार वेबसाइटों के अंदर जो है ना वो अवेलेबल होगा। ये हमारी जो है वो तो फिर रमजान मुबारक किताब है जिसका किताब हुआ के बाद मौलाना नजीब साहब कासमी को दावत देता हूँ
तो स्टेज पर आकर के अपनी माफी जमीर को सामीन के सामने में पेश करें। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد صدر جلسة ومعزز حاضرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات کے باوجود اس مختصر و سادہ تقریب میں تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے آمین الحمدللہ حج مبرور اور حیار اسرہ کے اب تک تین ایڈیشن عازمین حج کو مفت تقسیم کرنے کے لیے شائع ہو چکے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں کے احکام سے متعلق تقریباً 300 صفحات پر مشتمل ایک اہم کتاب اصلاحی مضامین کا پہلا ایڈیشن ایک اہل خیر کے تعاون سے 2011 میں شائع ہوا تھا لیکن عصری تعلیم کے طرز عمل ٹی وی و انٹرنیٹ کے بے جا استعمال اور مصروف زندگی کی وجہ سے دینی کتابوں کے پڑھنے کا ذوق و شوق دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے لہذا ضرورت محسوس ہوئی کہ ضخیم کتابوں کے بجائے مختصر کتابچے شائع کیے جائیں چنانچہ اس فکر پر عمل شروع کر کے سب سے پہلے ماہ رمضان سے متعلق اپنے مضامین پر دوبارہ نگاہ ڈالی بعض موضوعات مثلاً اعتکاف اور رؤیت ہلال سے متعلق مسائل تحریر کی اور اس طرح صرف 2 ماہ میں تحفہ رمضان المبارک کے نام سے موسوم کتاب ایک اہل خیر کے تعاون سے شائع ہو گئی جس کا اجرا آج آپ حضرات کی موجودگی میں ہوا اسی طرح حجاج کرام کی خدمت کے تجربے سے معلوم ہوا کہ پاکٹ سائز کی کتاب حجاج کرام کے لیے زیادہ مفید ہوگی چنانچہ مختصر حج مبرور کے نام سے پاکٹ سائز کتاب تیار کی جس میں سابقہ کتاب حج مبرور میں تحریر کردہ مسائل حج کو کسی حد تک اختصار کے ساتھ عام فہم زبان میں مرتب کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور ایک اہل خیر کے تعاون سے مختصر حج مبرور کے 5,000 نسخے حال ہی میں شائع ہوئے ہیں جو ابھی ریاض نہیں پہنچ پائے ہیں لیکن اس کی سافٹ کاپی کا اجرا اس محفل میں ہوا میرے ایک دوست پاکستان میں حجاج کرام کو مفت تقسیم کرنے کے لیے مختصر حج مبرور کا دوسرا ایڈیشن فی الحال شائع کر رہے ہیں میرے محسن مولانا عبدالباری صاحب قاسمی اور عزیز دوست جناب محمد سلیم صاحب نے دونوں کتابوں کی اشاعت سے قبل لفظ بلفظ پڑھ کر ضروری اصلاحات کی تحفہ رمضان المبارک کی تقریر حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند اور مختصر حج مبرور کی تقریر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کتاب کے مطالعے کے بعد تحریر فرمائی ہے میرے ایک دوست نے 2 ماہ قبل مجھے مشورہ دیا تھا کہ حج کی ادائیگی کے طریقے پر مشتمل ویڈیو بنائی جائے جس کو اپنی ویب سائٹ www.najeebqasmi.com کے ساتھ یوٹیوب پر بھی ڈال دی جائے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں فی الحال عمرے کی ادائیگی کے طریقے سے متعلق ویڈیو بنا کر تجربہ کیا ہے اگر یہ ویڈیو عمرہ کرنے والوں کے لیے مفید ثابت ہوئی تو انشاءاللہ حج کی ادائیگی کے طریقے سے متعلق بھی اسی طرح کی ویڈیو بنائی جائے گی اللہ تعالی آسانی اور خیر کا معاملہ فرمائے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جن حضرات نے یہ آج کی ویڈیو دیکھی ہے یوٹیوب پر بھی موجود ہے ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے آپ کے جو بھی ریمارکس ہوں تاکہ اس کو ہم اور بہتر انداز سے پیش کریں وہ مجھ کو لکھ دیں جو بھی ریمارکس جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے انشاءاللہ العزیز اس عمرے کی ویڈیو کو دوبارہ سے ہم مرتب کر دیں گے عزیز دوست جناب عالمگیر صاحب سے جب اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ان کی ٹیکنیکل سپورٹ مانگی گئی تو انہوں نے لوج اللہ 24 گھنٹے اپنا تعاون پیش کرنے کا عزم مصمم کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور جناب عالمگیر بھائی کی بے روز خدمات نیز چند عزیز دوستوں کی مسلسل کاوشوں کے پیش نظر یہ ویڈیو حاضر خدمت ہے میں ان تمام حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں جو ہمیشہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دنیاوی مسائل کو حل فرمائے اور ان کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے ان دونوں کتابوں کی اشاعت کرانے والے دونوں احباب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی اس خدمت کو قبول فرما کر ان کے مال میں برکت عطا فرمائے اور ان کو آخرت میں اس عمل پر
इस अमल खैर पर अजर अजीम अता फरमाए। आखिर में मैं आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप गर्मी की शिद्दत के बावजूद यहाँ तशरीफ लाए, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, हुज्जाज किराम और मोहतमरीन को हज उमरे की सही अदायगी करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब को हुज्जाज बैतुल्लाहिल हराम की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। आमीन। तुम्मा जज़ाकअल्लाह खैर। अब इसके बाद तफ़सीरा और इसी मौजू से मुतालिक गुफ्तगु के लिए मैं हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब कासमी को दावा देता हूँ कि वो इस बाबरकत महफिल के अंदर अपनी माफी ज़मीर को सामीन के सामने में पेश करके उन्हें मुस्तफ़ीद होने का मौका इनायत फरमाए। मौलाना अब्दुल बारी साहब, نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، عزيز ساتيو. सबसे पहले मैं मौलाना नजीब साहब के सिलसिले में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जिससे काम लेना चाहता है उसको तौफीक अता करे, और वो अपनी मशगूलियत का बहाना बनाकर दाएं बाएं नहीं भागता, बल्कि अपनी मशगूलियत के बावजूद काम शुरू कर देता है, और जब काम शुरू हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरा भी फरमाता है। ये काम जो उन्होंने किया है उम्र के सिलसिले में, ये बहुत अहम है। किताब पढ़ने के बावजूद भी इंसान से बसा औकात हज और उम्र के आमाल में गलती हो जाए। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी में किसी को एक बार मिलता है, किसी को दो, किसी को तीन, तो गलतियाँ होने का इम्कान बाकी रहता है। ये इस वीडियो की बदौलत इंसान कम से कम गलती के इम्कान होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके इस काम को कबूल फरमाए। और मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ऐसे कामों को मुख्तलिफ ज़ुबानों में भी होना चाहिए, सिर्फ उर्दू में नहीं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, और जो हमारे ख़ुसूसन हिंदुस्तान की जो मकामी ज़ुबान है उनमें इसको होना चाहिए। आप लोगों को पता होगा, यकीनन होगा, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कि मलेशिया के अंदर वहाँ जो हज्जाज आते हैं उनको हज पे भेजने से पहले वहाँ पर प्रैक्टिकल उनसे तवाफ़ करवाया जाता है, सही करवाया जाता है, सर उठाना, कैसे कतरवाना, मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, इन तमाम चीज़ों को उनको प्रैक्टिकल समझाया जाता है। और यही वजह है कि आजकल चंद सालों के अंदर सबसे अच्छे हुज्जाज मलेशिया के, उनकी परेशानियां भी कम होती हैं, उनसे गलतियां भी कम होती हैं, और वो सुलझे हुए तरीके से अदब के साथ, अखलाक के साथ उमरा करके, हज करके अपने वतन को वापस जाते हैं, और हम लोगों की तरफ से अच्छी ख्वाहिशात और उनकी तारीफ भी की जाती है। तो ये मौलाना कोशिश करेंगे
कि इसका दूसरी जुबानों में तर्जमा हो और इसको मौलाना पेश करें। एक दूसरी बात यह है कि किसी भी रिसर्च करने वाले के लिए और किसी भी आलम दीन के लिए किसी चीज़ को आखिरी मंजिल नहीं समझ लेना चाहिए। जैसा कि मौलाना ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि लोग इसको देखें, देखने के बाद अपने रिमार्क्स भेजें ताकि मौलाना उसकी रोशनी में इसमें इजाफा और कमी कर सकें। ये बहुत अच्छी बात है और इस जज्बा के तहत अगर वो काम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की से नवाजेगा। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश पहले से थी और मौलाना ने आप लोगों को बुलाकर उस ख्वाहिश को दोबारा कर दिया कि ये ऐसा मौका है कि ऐसे मौके पर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों अपने सहाबा कराम को बैठा करके रमज़ान मुबारक के सिलसिले में मुबारकबाद देते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि रमज़ान आने को है, अपनी रहमतों के साथ अजमतों के साथ आने को। मैं इस सिलसिले में चंद बातें अपने आप को पहले फिर आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस बाबरकत महीने को किस तरीके से हम यूज़फुल बनाएं, जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया। रमज़ान रजब का और शाबान का जब महीना आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, हमारे लिए रजब के महीने में शाबान के महीने में बरकत डाल दे और रमज़ान तक हमें पहुंचा दे। बहुत सारे बुजुर्गान दीन के बारे में ये अर्ज किया जाता है, लिखा गया है कि 6 महीने रमज़ान के बाद वो ये दुआ करते थे कि अल्लाह हमने जो नेक अमाल किए हैं रमज़ान मुबारक के अंदर उसे कबूल करना। 6 महीने और 6 महीने के बाद वो अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाह बल्लिगना रमज़ान। 6 महीने दुआ की कबूलियत की और 6 महीने दुआ की कि अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमा के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं, उसमें एक बात ये मशहूर है कि जब रमज़ान का मुबारक महीना आता था तो हदीस की किताबों को, जबकि मुहद्दिस थे, मुअत्ता इमाम मालिक मशहूर किताब है उनकी, इसके बावजूद वो हदीस की किताबों को, हदीस के दुरूस को बंद कर देते थे और सिर्फ कुरान करीम की तिलावत करते थे। 2-3 हदीसें और उसका कुछ मुख्तसर मफ़हूम आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। एक हदीस ये है कि अन सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आख़िर यौमिन मिन शाबान फ़क़ाल या अय्युहन नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारक। कहते हैं हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला फ़रमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन में जमा किया हमें और ये फरमाया कि लोगो, तुम्हारे ऊपर अजीम मुबारक महीना साया फगन हो गया है। रमज़ान मुबारक शहरुन फीह लैलतुल क़द्र, ये ऐसा महीना आ रहा है कि इसके अंदर लैलतुल क़द्र है और लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ शहर, 1000 महीने से बेहतर है। एक रात इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने का मतलब कितने साल होते हैं? 84 साल। 84 साल से बेहतर हमारी उम्र तो आजकल 60 से 74 तक 75 तक होती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से 84 साल की इबादत का फजल हमारे नाम लिख देता है। खुशकिस्मत है वो आदमी जो उसे हासिल कर ले और बदबख्त है वो आदमी जो अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाए। फरमाया कि जान अल्लाह सियाम हो फरीदा, अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के रोज़ों को फर्ज करार दिया है। वो क़याम लैल ही तत्वा और रात की तहज्जुद को और तरावीह को सुन्नत तत्वा यानी नफिल करार दिया है। मन तकर्रब फीह बिखसरत मिन फ़ाल अल खैर
काना कमन अता फरीदतन फीमा सिवा, कि अगर कोई आदमी उसमें एक नेकी करता है, नेकी का मतलब फर्ज नहीं नफल, तो वो कोई अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब फर्ज के बराबर कर देता है गैर रमजान में। और जो आदमी इस महीने में फ़र्ज की अदायगी करता है, चाहे वो फ़र्ज नमाज हो, ज़कात हो, रोज़ा हो, कुछ भी हो, उसके बदले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके एक फ़र्ज के का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर करता है गैर रमजान। फरमाया कि 70 फ़र्ज अगर किसी ने गैर रमजान में अदा किया है और रमज़ान करीब में एक फ़र्ज अदा किया है तो दोनों का सवाब बराबर हो। फरमाया हुआ हुआ शहरु सब्र, सब्र का महीना है, किस चीज़ पे? खाने, पानी, बीवी, बाल बच्चे, सारी चीज़ें हलाल थी, लेकिन हमारे रब ने कहा कि मेरे बंदे इन चीज़ों से रुक जाओ, हम रुक गए। और फरमाया तो वह सब्र सवाब हूँ अल जन्नत, सब्र का सवाब जन्नत है। फरमाया शहरुल वासात, हमकुसारी का ज़माना है, ऐसा नहीं कि अपने घर में बंद हो गए, नहीं, हमें ये भी देखना है कि हमारे पड़ोसी गरीब हैं, इफ्तार किया नहीं किया, खाना खाए नहीं खाया, उसके पास कपड़े हैं नहीं हैं, जो ये सारी चीज़ें हैं उनका ख्याल रखना। फरमाया वो शहरुन युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़, हम ये समझते हैं कि ये तो खर्चे का महीना है, ये तो खर्च का महीना है, बहुत सारे पैसे हम जमा करके रखते हैं, खर्च हो जाते हैं। आपका नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसमें रिज़्क़ में इजाफा होता है। फरमाया जो आदमी किसी एक रोज़ेदार को इफ्तार करवाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को बख्श देता है और उसकी गर्दन को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। फरमाया कालू या रसूल अल्लाह लैसा कुल्लुना यजिदु मा युफ़त्तरु बिही सायम, या रसूल अल्लाह हमें कुछ गरीब भी हैं, खुद इफ्तार करने को नहीं होता, गैरों को कैसे इफ्तार करवाएंगे? अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवाब लिमन फत्तर सायमन अला मुज़्क़ति लबन औ तमरतिन औ शरबतिन, कि अल्लाह तबारक व तआला इस रोज़े का सवाब किस चीज़ पे देता है? लबन यानी दूध का या छाछ का एक घोट अगर आपने पिला या एक खजूर गिला दिया या एक घोट पानी पिला दिया तो आपको सवाब मिलेगा। आपके सऊदी अरब में ऐसे लोग, इंडिया में तो बहुत होंगे, सऊदी अरब में एक साहब ने एक किस्सा लिखा है कि वो कहीं जा रहे थे, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, इफ्तार का वक्त हो गया, कुछ वहाँ पे निशान नहीं था कि वो इफ्तार करते, उनके पास खुद भी कुछ नहीं था, किसी घर से एक ज़ईफ़ आदमी निकले और कहा कि भाई मेरे साथ इफ्तार करो, आया। जब उसके घर में गए इफ्तार करने के लिए तो सूखी खजूर और गर्म पानी ठंडा नहीं, वो वहाँ से निकले, इफ्तार करने के बाद गए मस्जिद, मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के वापस आए, जो खाना पेश किया गया वो सूखी रोटी, सूखी रोटी और पानी, उससे जो उन्होंने कहा, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अपने अपने घरों के अंदर अच्छे इफ्तार कर लेना, अच्छे अच्छे खाना खा लेना और मालदार लोगों को खाना खिला देना और उनको भी खिलाना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उनको भी खिलाना, लेकिन गरीबों को तलाश कर खिलाओ। कहते हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने मेहमान नवाज थे कि कभी अकेला खाना नहीं खाते, कभी अकेले खाना नहीं खाते थे, तलाश करके लाते थे, क्या घंटा लगे उनको, ये 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तलाश करके लाते। हमें भी ऐसी चीज़ें सीखना चाहिए। फरमाया कि वमन सका साइमन सकाहुल्लाह अज़्ज़ा वजल मिन हौज़ी शरबतन ला यज़मउ बादहा हत्ता यदखुल जन्नत, कि अगर किसी आदमी ने किसी प्यासे रोज़ेदार को पानी पिलाया तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मेरे यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से पानी पिलाएगा और जन्नत में दाखिल होने तक उसको प्यास नहीं लगेगी। जब अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको, यहाँ पर ख़ास बात हो सकता है, इसमें बहुत सारे हमारे लोग मालदार भी हों, तजारत पेशा भी हों, जिनके पास नौकर भी काम करते हों, उनको एक बात अर्ज करना चाहता हूँ जो इस हदीस शरीफ के अंदर है कि मन खफ़फ़ा अन ममलूक ही, ममलूक कहते हैं गुलाम को, लेकिन अब तो गुलाम का वो
सिस्टम खत्म हो गया है, नौकरी नौकर जो आपके यहाँ उसको ये बात शामिल है कि किसी के घर भी अगर कोई नौकर काम